हेलो दोस्तों, एम्बिशन एडियो ग्रुप में आपका स्वागत है। जय भारत, जय बिहार। होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है दोस्तों, पर मेहनत नहीं करेंगे ये तो गलत बात है। होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, पर मेहनत नहीं करेंगे ये तो गलत बात है। आपको दिख रहा होगा दी, ये दी क्या है, दीज क्या है, तो ये एक संस्था है जो शिक्षा के आधार पर, अनुसंधान एंड ज्ञान के आधार पर, हस्तांतरण अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर ये रैंकिंग करता है विश्वविद्यालय का, जो कौन सा देश फर्स्ट पर है, कौन सा देश सेकंड पर है, भारत का कौन सा स्थान है, ये सारे चीज, ये सारे डिटेल्स का, ये द जो है, ये टी फॉर टाइम, एच फॉर हायर एंड एजुकेशन, ये कब स्थापित हुआ था, ये संस्था कौन सा है, क्या काम करती है, तो ये एक पत्रकारिता का संस्था है, द टाइम्स हायर एजुकेशन। ये एक संस्था है जो के रैंकिंग करता है, और ये एक द टाइम्स जो टाइम्स हायर एजुकेशन है, ये शिक्षा संस्थान में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसका है, इसका डिटेल्स करता है, जो ये ब्रिटिश पत्रातिका है। ये पहला आप कौन आया तो आप देख रहे हैं, फर्स्ट रैंकिंग आया है वर्ल्ड में, फर्स्ट रैंकिंग दी के द्वारा। और इससे पहले जाने कि दी का पहला नाम, ये दी जो 2023 में द टाइम्स हायर एजुकेशन ने फर्स्ट रैंकिंग किसका किया है, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये पहला नाम था इसका द टाइम्स द हायर एजुकेशन सप्लीमेंट था, एस फॉर सप्लीमेंट, ये इसका पहले नाम था। इसका पहले नाम क्या था, द टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट था। और ये कब स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था 9 मई 1971 को, 9 मई 1971 को इसकी स्थापना हुई थी के रैंकिंग करने का सप्लीमेंट का। तो उसके बाद फिर ये हो गया द 2023 में 104 देश शामिल हुआ किया गया, जिसमें फर्स्ट कौन, किसका रैंक है फर्स्ट का, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी का है फर्स्ट रैंक। एंड सेकंड, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाएगा द टाइम्स ऑफ, मतलब दी ने लिखा रहेगा, टी फॉर टाइम्स हायर एजुकेशन 2023 के तहत फर्स्ट रैंकिंग किसको मिला, तो आप कहेंगे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है, जो लगातार 7वीं बार इसको फर्स्ट स्थान ही मिलता चला आ रहा है। एंड सेकंड में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जो इसकी स्थान 2023 में टाइम्स हायर एजुकेशन के थ्रू सेकंड स्थान मिला है, एंड फोर्थ सेकंड स्थान मिला है, एंड थर्ड स्थान टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन के थ्रू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को मिला है, किसको, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को मिला है। तो आइए जानते हैं भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान विश्व के स्तर पर बैंड में, किस बैंड में रखा है, 251 से 300 के बीच रखा गया है, 300 के बीच रखा गया है इसको, इस बैंड में। एंड भारत में 75 विश्वविद्यालय ने शामिल हुआ था, 75 विश्वविद्यालयों में से फर्स्ट रैंक के भारत में आया है, जो 75 में से फर्स्ट किसको आया,
तो ये आया भारतीय विज्ञान संस्था IIS बेंगलुरु को मिला है, जिसका बैंड जो विश्व स्तर पर है 251 से 300 के बीच में, और भारत में इसे फर्स्ट स्थान शीर्ष स्थान पर रखा गया। और दूसरा कौन सा रखा गया तो ये देख लीजिए, आप लोग उतार भी लेंगे इसको। ये 75 भारत का कितना विश्वविद्यालय शामिल हुआ था, तो 75 ये भारतीय विज्ञान संस्था IISc बेंगलुरु का स्थान भारत में फर्स्ट है। तो आएंगे आप पूछेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन के थ्रू भारत में किस स्थान पर रखा गया है, तो किस यूनिवर्सिटी को फर्स्ट स्थान में रखा गया है, तो ये भारतीय विज्ञान संस्था IISc फर्स्ट स्थान पर रखा गया, जो बेंगलुरु में है। और दूसरा सुलुनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कौन सा दूसरा स्थान 75 यूनिवर्सिटी में से दूसरा भारत में, भारत को दूसरा स्थान किसको मिला है, कौन सा यूनिवर्सिटी को, तो ये सुलुनी यूनिवर्सिटी को मिला है। सुलुनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस है, क्या नाम है इसका पूरा नाम, जो सेकंड स्थान पर टाइम्स हायर एजुकेशन के थ्रू जो निकला, दूसरा स्थान मिला है भारत में पूरे 75 में से, तो सुलुनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन में से ये एक था जो हर एग्जाम के लिए आपको यूजफुल होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे NIRF, कौन सा करेंगे चर्चा, NIRF। तो आप लोग ये जान लें कि NIRF क्या कौन सा संस्था है और ये कहाँ की है, तो ये नेशनल है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 23 के तहत, 2030 के तहत ये, आगे हम इसका चर्चा करेंगे। बट ये NIRF का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। और ये शिक्षा संस्था, शिक्षण एंड विदेश राज्य मंत्री द्वारा, जो आज के डेट में कौन है, राजकुमार रंजन, शिक्षा एंड विदेश राज्य मंत्री कौन है, राजकुमार रंजन, इन्हीं के थ्रू ये प्रस्तुत किया गया है। तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।